हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के टॉपिक पर मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था। आप सभी लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के इस वीडियो में मैं आपको हार्मोनल इम्बैलेंस को क्योर करने के लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूँ। इसलिए वे लोग जो किसी भी तरह की हार्मोनल डिस्टरबेंस से होने वाली प्रॉब्लम से परेशान हैं वे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, हार्मोन हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं और हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स को अपना फंक्शन करने के लिए प्रमोट करते हैं। हमारी बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऑप्टिमल फंक्शंस के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के हार्मोन्स फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए थायराइड हार्मोन काम करता है, हमारी बॉडी में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन काम करता है। इसी तरह से बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के लिए अलग अलग तरह के हार्मोन्स फंक्शन करते हैं। ये सभी फंक्शंस अलग अलग तरह की ग्लैंड्स के कंट्रोल में होते हैं जिन्हें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, और ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक मास्टर ग्लैंड के कंट्रोल में होती है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स के किसी भी तरह के बैलेंस के, चाहे वो हार्मोन्स का लो प्रोडक्शन हो जैसा कि थायराइड में होता है, या हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन हो जैसा कि थायराइड के केस में होता है, या एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ी प्रॉब्लम्स के केस में होता है। इसलिए अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स का लो प्रोडक्शन होता है तो भी ये अलग अलग तरह के डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है, और अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन होता है तो भी ये अलग अलग तरह की डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जो कि हमारी बॉडी में इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है और एक ऑप्टिमल लेवल पर बैलेंस करती हैं। ये एक्सरसाइजेस बहुत ही सिंपल होती हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइजेस को किस तरह से करना है। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है कोबरा पोज। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको प्रोन लाइंग पोजीशन में लेट जाना है, दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के साइड्स में रखना है और धीरे धीरे आपको हेड को लिफ्ट करते हुए अपने चेस्ट और अपर बॉडी को लिफ्ट करना है। इस पोजीशन को आपको कुछ सेकंड्स के लिए मेंटेन करना है, ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखना है और उसके बाद धीरे धीरे इस पोजीशन को रिलीज करना है। कोबरा पोज की एक्सरसाइज को करने से हमारे एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग होती है और इस स्ट्रेचिंग की वजह से उन पर एक स्क्वीजिंग इफेक्ट पड़ता है और हार्मोन्स के प्रोडक्शन में ये एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल होती है। साथ ही साथ अलग अलग तरह के हार्मोन्स के प्रोडक्शन को मेंटेन करने में भी एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल होती है। फ्रेंड्स, इसी सीक्वेंस में दूसरी एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज। इस एक्सरसाइज में आपको आराम से नील डाउन की पोजीशन में बैठ जाना है। अब धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड होते हुए आपको, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, इस पोजीशन में आना है और कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर होल्ड करना है और उसके बाद से फिर से वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। इस एक्सरसाइज से भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी स्ट्रेचिंग होती है और उन पर एक स्क्वीजिंग इफेक्ट आता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को हार्मोन्स की प्रॉपर सप्लाई होती है और उस सप्लाई की वजह से वो ऑर्गन अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं। यह एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है। फ्रेंड्स, इसी सीक्वेंस में तीसरी एक्सरसाइज है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज को जनरली कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस एक्सरसाइज का इतना अच्छा इफेक्ट होता है कि कोर स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में भी ये बहुत बेनिफिशियल होती है। और बाकी एक्सरसाइज की तरह इस एक्सरसाइज में भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की स्ट्रेचिंग होती है और साथ में एक स्क्वीजिंग इफेक्ट आता है जिसकी वजह से हमारे एब्डोमेन के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको हार्मोन्स की प्रॉपर सप्लाई मिल पाती है और वो अपना नॉर्मल फंक्शन अच्छे से कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तीन एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई हमारी बॉडी के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स है उनके रेगुलेशन में, उनको मेंटेन करने में और उनके ओवर प्रोडक्शन या लो प्रोडक्शन दोनों को ही कंट्रोल करने में ये एक्सरसाइजेज बहुत ही इफेक्टिव है। इसलिए वे लोग जो कि किसी भी तरह के हार्मोनल डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम से परेशान हैं उन्हें ये तीन एक्सरसाइजेज रेगुलरली करनी चाहिए। इन एक्सरसाइजेज का इफेक्ट बहुत जल्दी आता है और आप देखेंगे कि सिर्फ 2 से 3 वीक के एक्सरसाइज प्रोग्राम में ही आपको आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे थे उनमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाएगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो थी हार्मोनल इम्बेलेंस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस के बारे में जानकारी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।